हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ दोपहर वाला खाना खाने। बच्चे आज जो है महीने का आखिरी दिन था तो हाफ डे हो गया है, तो बच्चे खाना खा चुके हैं। पारुल पापा भी आके खाना खा चुके हैं। अब मैं जा रही हूँ खाने। पारुल पापा भी गए हैं रस्सी लाने खेत में बांधने के लिए। तब तक खाना खा लेती हूँ, आएंगे तो फिर खेत चलूँगी। जो हमारा स्टेशन के पास खेत है वहाँ जाऊँगी, आप सभी को दिखाऊँगी। अभी मैं भी नहीं देखी खेत का क्या हाल है, 1 हफ्ते पहले गई थी। चलती हूँ फिर देखती हूँ कैसा है, आप सभी को भी दिखाऊँगी कैसा है हमारा हमारी फसल। तो सुनने को तो मिला है काफ़ी नुकसान हो गया है, वहाँ पे जानवर आते हैं चर गए हैं। काफ़ी मेहनत करके बांध बांध दी हूँ, फिर भी कूद कूद के आ जाते हैं। तो आप सभी को दिखाऊंगी किधर से आते हैं, क्या करते हैं, कैसा हाल है। इतना मेहनत करने के बाद भी देखते हैं, जब घर आ जाए ना तो समझो दोस्तों कि अपना है, नहीं तो समझना नहीं चाहिए कि हाँ अपना है। बस मेहनत करते रहो, जो होगा देखा जाएगा। तो दोस्तों हमारे ब्लॉग वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। आगे आप सभी अब जो है आप सभी को आगे वीडियो देखने को मिलेगा। देख सकते हैं दोस्तों, अभी आई हूँ गांव वाले खेत। यहाँ पे जो है पालक बो रही थी, पहले जो बोए थे वो जो है कर्री हो गई थी, तो उसको जो है काट के दे दी हूँ जानवरों को। और दूसरी बो दी हूँ। इधर है हमारी धनिया, बड़ी बड़ी हो गई। इधर लहसुन, इस तरफ है आधी धनिया और गाजर। सब दोस्तों निराना है पर अकेली हूँ, किधर किधर जाऊँ समझ में नहीं आता। वहाँ गई थी थोड़ा करके आई, वहाँ का खेत तो देख दोस्तों रोना आ रहा था, क्योंकि आधा खेत का गेहूँ हमारा चर डाले हैं जानवर, इसीलिए वहाँ लग रहा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे आए हूँ गांव में, गांव वाले खेत, तो यहाँ भी थोड़ा थोड़ा चरा रहे हैं। बीच बीच में हल्का हल्का दिख रहा होगा, बैक कैमरा से दिखाते हैं आप सभी को। देख सकते हैं दोस्तों, इस समय इधर हरा भरा सा है, यहाँ ज़्यादा नहीं चले, थोड़ा थोड़ा सा है। जो है खरगोश टाइप जो चौगड़ा रहते हैं ना, उसे हमारे यहाँ चौगड़ा बोलते हैं, खरगोश ही समझ लीजिए। वही थोड़े थोड़े दूर में चरे हुए हैं गेहूँ, नहीं ठीक है वहाँ तो आधा आधा खेत ही चर डाले हैं पूरा, लग रहा है वहाँ गेहूँ नहीं होगा। देखते हैं जो होगा देखा जाएगा। तो दोस्तों वहाँ किसी दिन फिर जाऊँगी तो दिखाऊँगी, हो सकता है कल ही जाऊँ। आज बारिश वाला मौसम हो गया था, गई थी तो इसी वजह से जल्दी जल्दी वहाँ से चली आई, क्योंकि कपड़ों को धुल के जो है फैलाई हुई थी, इसी वजह से वहाँ से जल्दी आना पड़ा। तो लास्ट तक दोस्तों वीडियो ब्लॉग में बने रहिएगा। अभी मिलूँगी थोड़ी देर बाद, थोड़ा काम कर लेती हूँ, शाम होने वाली है, नहीं घर भी जाना रहेगा। तो दोस्तों अभी आ चुकी हूँ खेत से घर, देख सकते हैं आई थी छत पे कपड़ा हटाना है, तो कपड़ा हटा चुकी हूँ। हवा काफ़ी तेज थी आज। हाँ तो कुछ गांव में बेचने वाला आ गया था, बाल से जो है काफ़ी सामान लिए था, आसपास के लोग लिए हैं। तसला था छोटा छोटा प्लास्टिक का, और भी सामान थे, तो सब लोग बाल का ले रहे थे, तो हमें आवाज़ दिए तो हम भी चले गए थे। पारुल बाल में लगाने वाला हेयर बैंड लिए हैं, बाल से इतना तक इकट्ठा फीस थी उसी से ली है, तो वहाँ चले गए थे, इसीलिए फिर ब्लॉग कट कर दिए थे। तो देख सकते हैं उधर बोल डिब्बा उब्बा धो के रखी थी, काफ़ी हवा चल रहा था, तो इधर उधर ढनक गया है, चल रहे हैं इसको लेके चलते हैं नीचे। और
तो देख सकते दोस्तों चंदा मामा दिखने लगे, थोड़ा सा अब सभी को दिखाने की कोशिश की। अब चल रहे हूँ नीचे, जलाऊंगी थोड़ा आग, सब बच्चों को बैठा लूँगी आग के पास, क्योंकि ठंडी कल से बढ़ गई है, हवा चल रही थी काफ़ी इसीलिए। तो ये लोग वीडियो यहीं पे एंड करूँगी दोस्तों, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ये यहाँ पर कांटा गड़ गया था तो ऐसे छंगली नहीं मोड़ रही दोस्तों, काफ़ी तेज से गड़ा था, ये वाली उंगली छंगली ऐसे नहीं मोड़ रही है, हल्का ये देख सकते हैं कांटा यहाँ पे गड़ा है और ये ऐसे मोड़ नहीं रही। तो दोस्तों यहीं पर ब्लॉग वीडियो एंड करूँगी, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग के मैं, तब तक के लिए बाय बाय।